हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा के सहयोगी दुष्यंत चौटाला के लिए परेशानी पैदा होने लगी है। उनकी जननायक जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अचानक अपनी पार्टी का पद छोड़ दिया है। विधायक रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला की आलोचना की है। इस आलोचना के सार्वजनिक होने के बाद बुधवार को उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अपनी पार्टी के विधायकों के समर्थन से उप मुख्यमंत्री बने। जेजेपी प्रमुख के खिलाफ 73 वर्षीय रामकुमार गौतम ने कहा कि उनके समर्थन से अक्टूबर में चुनावों के बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने में मदद मिली, लेकिन जनता का फैसला किसी पार्टी के पक्ष में साफ नहीं था। उनके अनुसार उप मुख्यमंत्री ने 11 मंत्रालयों को रखा था, जबकि पार्टी के एक विधायक को मामूली पोर्टफोलियो के साथ जूनियर मंत्री बनाया गया। दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया जिसके खिलाफ चुनाव में उन्होंने आक्रामक प्रचार किया था। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए थे।